यहां शिव गुरु है और पार्वती उनकी शिष्या है। शिव पार्वती जो संबंध, अन्योन्य संबंध है, तभी ज्ञान का प्रवाह होता है। तो शांत मन को उपलब्ध करने के लिए तुम्हें क्या करना, सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म जाते जाओ। किस ओमकार का उच्चारण करो, वो करते 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 भी तुम्हारा मन उसमें लय हो जाए तो तुम भैरव को प्राप्त करोगे, भैरव अवस्था, खाली हो जाओगे। जल के स्रोत के पास बैठ के उसकी धारा की जो खलखल को सुनते रहो, वो खलखल की आवाज में, नीरव में तुम अपने आप को खो देते हो, उस स्थिति में तुम भैरव के करीब हो जाते हो।